देखिए दोस्तों, यहाँ पर हाईवे पर ये लाया है, देखिए ये, और ये देखिए देहरादून और हल्द्वानी हाईवे पर, और देखिए 8:30 तो पक्का ही है। अच्छा, तो आप ये होटल में क्या करते हैं? सिक्योरिटी में। तो कई लोग जंगलात वाले भी आए। अच्छा, उन्होंने भी 5-6 लड़के आए बाहर से भी, तब जाके भगाया उसे। अरे साहब बहुत तकड़ा है, 5-6 जब लैठा परंगे तो साफ दिखाई। ये गोटेरी का पेड़ जो अगला, हाँ हाँ, यहाँ पर बैठे हैं। देखिए लंगूर महाराज, देखिए सामने आप देख रहे होंगे, एक ही है, बहुत तगड़ा आती है, तो बहुत ही जबरदस्त। टस्कर कह सकते हैं बहुत। मुझे काफी ये देखिए, कहीं मुझे काट ना ले। जय श्री राम, भारत माता की जय, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं रमेश। दोस्तों सुबह का बजा है 8 और मैं अभी जा रहा हूँ देहरादून और रामनगर हाईवे पर। कल रात काफ़ी हाथी ने गेहूं के खेत में नुकसान किया और काफ़ी गेहूं की पूलियों को जंगल में ले गया और रोड काफ़ी बिखरा गया और काफ़ी नुकसान कर गया। तो दोस्तों देखिए, सुबह का 8 बजा है और मैं अभी जा रहा हूँ वहाँ पर और दिखाता हूँ मैं आपको वहाँ का क्या क्या नुकसान किया हुआ है। और देखिए मेरे घर का रास्ता देखिए दोस्तों, सुबह का 8 बजे का टाइम और चल रहे हैं और दिखाते हैं आपको अपने घर का रास्ता और चलते हैं वहां जहां पर हाथी ने क्या क्या नुकसान किया हुआ है हाईवे के पास गेहूं के खेत में, और चलते हैं आगे। और देखिए दोस्तों, सुबह का मेरे घर का रास्ता पूरा जंगल का रास्ता, और देख रहे हैं आप ये क्या माहौल है सुबह का। और दोस्तों मेरी कोशिश अपने सारे साथियों और मेरे दोस्तों सारे दोस्तों को वाइल्ड एनिमल दिखाना होता है दोस्तों, और लेकिन देखिए लक है, लक पर दिखते हैं क्या दिखता है क्या नहीं दिखता है। और देखिए सुबह का अभी दोस्तों 8 बजा हुआ है और देखिए जब जंगल में सूरज की किरणें पड़ रही थी कैसा लग रहा है, देखिए माहौल आप देख रहे होंगे, ये देखिए। और दोस्तों मुझे काफ़ी बार यहाँ भी अपने घर के रास्ते पर भी वाइल्ड एनिमल मिल जाते हैं दोस्तों। और देखिए कल रात लोग यहाँ पर काफ़ी नुकसान किया है हाईवे देहरादून और रामनगर हाईवे पर हाथी ने, और मैं आपको दिखाता हूँ अभी क्या क्या नुकसान करते हैं किया उसने, और गेहूँ की पूलियों को काफ़ी बिखरा गया है कह रहे हैं, और दिखाते हैं अभी आपको आगे। और फिलहाल आप देखिए मेरे घर का ये रास्ता, और काफ़ी जंगली मुर्गे भी बोल रहे हैं अंदर, देखिए सुबह का टाइम दोस्तों 8 बजे, देखिए काफ़ी जंगली मुर्गे बोल रहे हैं रास्ते पे हमारे, काफी जंगली मुर्गे बोलते हैं यहाँ पर, ये देखिए। ये देखिए काफी जंगली मुर्गे अंदर में हैं। ये देखिए आवाज आ रही है जंगली मुर्गे की। पूरा जंगल का एरिया दोस्तों, मेरे घर का रास्ता देखिए, और यहाँ पर भी काफी वाइल्ड एनिमल है। और दोस्तों देखिए आज मैं जा रहा हूँ वहाँ पर जहाँ गजराज ने किया है आतंक गेहूं के खेत में, काफ़ी नुकसान किया हुआ है और चल रहे हैं वहाँ पर। और दोस्तों देखिए मेरी कोशिश रहती है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वाइल्ड लाइफ दिखाएं, और सुबह का बजा है अभी 8 बजा है और मैं जा रहा हूँ अभी वहाँ पर और दिखाता हूँ। देखिए मैंने आपको घर का रास्ता दिखाया अपने, काफ़ी वाइल्ड एनिमल और जंगली मुर्गे यहाँ पर बोल रहे थे आपने देखे दोस्तों। और देखिए मेरी कोशिश रहती है दोस्तों कि मैं अपने साथियों और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा वाइल्ड लाइफ दिखाऊँ और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ की नेचुरल जंगल दिखाऊँ, देखिए। और अभी हम चल रहे हैं वहाँ पर जहाँ पर गजराज ने कल रात किया है काफ़ी नुकसान, और देखते हैं आगे चलते हैं। और देखिए दोस्तों हम आगे रामनगर देहरादून हाईवे पर, और देखिए ये कंपेन दिख रहे होंगे आप, ये सामने चल रही है दिख। और दोस्तों यहीं पे देहरादून रामनगर हल्द्वानी हाईवे पर किया है देखिए गजराज ने कल रात अपना आतंक, और यहाँ पर उसने काफ़ी गेहूँ का नुकसान किया हुआ है, देखिए गेहूँ इकट्ठे हुए हैं सामने, मैं दिखाता हूँ अभी आपको, ये देखिए। और देखिए यहाँ पर भी गेहूं की पूली पड़ी है, देखिए बाहर हाईवे पर देखिए आप, ये हाथ ये देखिए सामने,
ये दोस्तों देख सकते हैं, देखिए ये यहाँ से ये देखिए ये पुली ले गया, देखिए इधर नीचे खेत है, यहाँ से आया, देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पर देखिए ये खेत से यहाँ पुली इधर पड़ी है, यहाँ ले गया अंदर को। देखिए दोस्तों यहाँ पर हाईवे पर ये लाया है, देखिए ये, और ये देखिए देहरादून और हल्द्वानी हाईवे पर, और देखिए कहाँ गया, यहाँ से लाया है, ये देखिए पूरे गेहूं का नुकसान करते हुए यहाँ पर लाया है, देखिए ये देखिए काफ़ी नुकसान, ये यहाँ से आया है, ये देखिए और ये देखिए यहाँ यहाँ पड़े हैं, देखिए गेहूँ ऐसे आया है इस रास्ते से ये, और देखिए सामने गेहूँ पड़े हैं दोस्तों, देखिए और ये पूरा तार बार भी इसने तोड़ रखा है, ये देखिए दोस्तों इस गेहूँ की इससे लाया है यहाँ से या यहाँ से, ये देखिए चार दीवारी है खेत, ये देखिए आप देख रहे होंगे, और खेत के चारों ओर से ये। और दोस्तों देखिए आजकल जहाँ तहाँ होटल बन रहे हैं, और होटल बनने से भी जंगली जानवर कहाँ जाए, काफ़ी डिस्टर्ब हो गए वाइल्ड एनिमल, यहाँ से ये ले गया है, और यहाँ पर देखिए हाईवे रोड है, ये जंगल का रास्ता, पूरा जंगल है ये देखिए यहाँ से ये पूरा गेहूं की, ये देखिए यहाँ पर भी कुछ देर यहाँ पर भी उसने खाया है, ये देखिए ये आप देख रहे हैं, ये देखिए ये गेहूं यहाँ पर उसने थोड़ी देर यहाँ पर पूरा लाया होगा अपने सूट में, और यहाँ से ये देखिए ये इसने ये पूरा नहर भी तोड़ी हुई है, ये देखिए, और यहाँ भी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ भी इसने काफ़ी नुकसान किया है दोस्तों, ये देखिए पूरा ये देखिए पूरी जो गेहूं के मुट्ठे थे पूरे इसने देखिए पूरे खोल के यहाँ पर इसने बिखेरे हुए हैं, देखिए ये और बांस भी इसको काफ़ी प्रिय होता है, देखिए बांस पर भी इसने अपनी फूट मारी है, देखिए ये यहाँ पर ये देखिए देखिए दोस्तों गजराज का देखिए आप कितना नुकसान किया है गजराज ने, ये देखिए पूरे गेहूं की पुलियों को खोल के देखिए काफ़ी खा गया है, ये देखिए और ये चार दीवारी है दोस्तों, देखिए हाईवे से लगी है ज़मीन, और ये चार दीवारी आप देख रहे हैं, ये देखिए पूरी ये चार दीवारी है, तो यहाँ इसने देखिए किया है आतंक, पूरा खा के देखिए पुलियों को बांध के बांधे हुए पुलियों को इसने तोड़ पूरा किया हुआ है, खोल के देखिए इसने बिखेरे हुए सब, ये देखिए ये देखिए दोस्तों ये पूरा वहां से लाया, देखिए यहां से लाया है ऐसे इधर, और ये पूरा जंगल का एरिया दोस्तों, देखिए रिजर्व फॉरेस्ट है ये, और यहीं से ये आया है इधर को, और यहां पूरा ये दोनों ढेरियों में से ले गया है गेहूं, उधर से भी लाया है, उस साइड से भी, इस साइड से भी लाया है, ये दोस्तों कुत्ता भी सदमे में है कि रात हाथी को देखा होगा, देखिए काफ़ी खूनसान लग रहा है बिल्कुल, देखिए कुत्ते से ही मुझे काफ़ी डर, ये देखिए कहीं मुझे काट ना ले। और दोस्तों देखिए हमारा यहाँ पर देखिए होटल बन रहा है, और यहाँ पर देखिए सिक्योरिटी गार्ड में हमारे बड़े भाई साहब, और थोड़ा इनसे पूछते हैं कि रात यहाँ पर कौन सा टाइम पर आया, और यहाँ पर कहाँ कहाँ वो गया, और किस समय में आ रहा है, और कह रहे हैं कि बहुत दिन से आ रहा है, तो भाई साहब से ज़रा जानकारी ले लेते हैं हम। और राम राम। राम राम जी। अच्छा सर, ये जो रात में यहाँ पर हाथी ने काफ़ी गेहूं खाए हुए हैं, ये कौन से टाइम में आए? ये 8:30 रोज का टाइम है। अच्छा, तो 8 बजे समझ लो, 8:30 तो पक्का ही है। अच्छा, तो आप ये होटल में क्या करते हैं? सिक्योरिटी में। तो अच्छा, आपने टॉर्च वॉर्च कुछ लगाई? टॉर्च लगाते हैं। तो भागा नहीं? फिर बाद में कई लोग जंगलात वाले भी आए। अच्छा, उन्होंने भी 5-6 लड़के आए बाहर से भी, तब जाके भगाया उसे। अच्छा ठीक है, कोई आपके होटल की तरफ तो नहीं है? नहीं, इधर तो अभी दीवार है वैसे। अच्छा, उसे हाथी के लिए दीवार कुछ नहीं हुई? हाँ, कुछ नहीं, 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 नहीं। चलो। और ताऊ जी हमारे देखिए यहाँ पर बना रहे खाना, ताऊ जी राम राम। राम राम जी। अच्छा, ये आप चौकीदार, आप यही हैं? आप ही हैं चौकीदार यहाँ के? हाँ। तो आपने भी देखा? अरे साहब बहुत तकड़ा है, 5-6 जब लेटा पड़ेंगे तो साफ दिखा, ये गोटेरी का पेड़ जो अगला। हाँ हाँ। तो यहाँ पर था। अच्छा, तो आदमी कैया खा गए, तब जा करके निकला, जो आदमी उसका निकलना ठहरा। सही बात। और टॉर्च वॉर्च मारी आपने?
अरे टॉर्च और कुछ फायर वायर अंधेरे में वाले आए तब जाके पांच सात लड़कों ने मिलकर तब भगाया बैटरियां लेके आए वो भी एक ही होगा ना एक ही है बहुत तगड़ा हाथी है तो बहुत ही जबरदस्त टस्कर कह सकते हैं बहुत इतना बड़ा हाथी मैंने नहीं देखा। अच्छा और दांत भी थे? दांत भी हैं उसके, ये मोटे दांत हैं। अच्छा जी, ये इससे पहले ना हमारे उस साइड भी आए ऊपर, ये तो हमारे यहीं से आ रहा है ऊपर से ही। हाँ ऊपर से आ रहा है। चलो ठीक है। और ताऊ तो कई बार आपको याद किया मैंने, पंडित जी से मालूम करी मैंने। ताऊ जी बना रहे हैं यहाँ पर खाना, क्या बना रहे हो? दाल ना, ये बच्चों के लिए, कुतिया के। अच्छा कुत्तों के लिए। हाँ ये तुम्हारे रक्षक हैं। अच्छा ठीक है। और दोस्तों देख सकते हैं आप यहाँ पर काफ़ी हाथी ने रात के समय में काफ़ी नुकसान किया और दो ढेरियों में ही अटैक किया। ये देखिए एक यहाँ पर है और एक सामने है। देखिए ये है, देखिए हाथियों का आजकल गांव में भी घुसने लग गए हाथी धीरे धीरे। देखिए और ताऊ तुम जरा होशियार रहना और बच के रहना ताऊ, हाथी का देखिए आप ये ऐसे चल रहे हैं साहब जी। हाँ जब मौत आ गई है। हाँ तो कोई बचाएगा नहीं, फिर भी थोड़ा अपना प्रोटेक्शन रखना, आराम से सोना रात में। मैं तो रात में यहाँ पर पाँच दिन से तो होटल में सो रहा हूँ, क्या करूँ हाथी के डर से। अरे वो तो बिल्कुल, ये गुटेरी का अगला पेड़ जो है यहाँ सब गेहूँ वीरान कर दिए हैं। अच्छा जी, वो बोलने वाला जानवर तो है नहीं। और देखिए ताऊ जी खिला रहे हैं डॉगी को खाना। देखिए दोस्तों ये दो पाले इन्हें अपने रक्षा के लिए यहाँ पर जंगल के किनारे। देखिए और यहाँ पर जल रहा है चूल्हा। देखिए ताऊ जी का ये है बिस्तरा, ये है इनकी झोपड़ी, ये देखिए। और दोस्तों देखिए मैं फिर आ गया हूँ अपने घर के रास्ते पे। अभी काफी चिड़िया की चहचहाट दोस्तों देखिए। यहाँ पर बैठे हैं देखिए लंगूर महाराज, देखिए सामने आप देख रहे होंगे। चलो आगे आगे देखिए, ये मेरे घर के रास्ते पर देखिए, ये देखिए भाग गया। और दोस्तों देख सकते हैं कि हाथी का यहाँ पर कितना आतंक हो रहा है और कहाँ देखिए खेतों में भी घुस रहे हैं हाथी और धीरे धीरे। और दोस्तों इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।